हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो या जेई हो, तो फर्स्ट स्टेज में मैं हमेशा बच्चों को लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स रिकमेंड करता हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और आपके दिमाग में टेंशन ना हो। एक बार आपकी वो बुक्स कंप्लीट हो गई तो फिर नेक्स्ट स्टेज में आप दूसरी बुक्स में स्विच कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि मार्केट में एक्चुअल में इतनी सारी बुक्स रिकमेंड कर देते हैं कि बच्चों के लिए सही बुक सेलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बच्चों के बिहाफ पे नीट एस्पायरेंट्स के लिए केमिस्ट्री बुक्स का थोड़ा सर्वे किया था, और यहाँ पे एक मैं लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे ये कह दूंगा कि मैं फिजिक्स का एक्चुअल में टीचर हूँ, तो एक बार आप अपने एंड से भी इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ये सही भी है या नहीं। और मैं एक अपोलॉजी और व्यक्त करना चाहूँगा, अभी एक दो दिन पहले भी मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर आ गई थी। जो मेरी टीम ये वीडियोस तैयार करती है उनके द्वारा, तो मैं एक नया वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, और बाय द वे इसमें भी कोई गलती आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे नोटिस में डाल दीजिएगा, फिर मैं एक तीसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा इसको डिलीट करके। मैंने एक चीज पाई कि ज्यादातर टीचर्स एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं क्लास 11th और 12th की, उसको बहुत स्ट्रेस देते हैं। तो एक तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में ओपी टंडन सर की बुक सबसे ऊपर आ रही थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीके जायसवाल सर की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएस चौहान सर की, और फिजिकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी सर की। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने दो बुक्स रिकमेंड की हैं, ओपी टंडन सर की और नरेंद्र अवस्थी सर की। तो इनमें से थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन सी बुक आपको रखनी है, लेकिन एक ही बुक रखिएगा, दो बुक्स मत रखिएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर बहुत सारी बुक्स रखेंगे तो फिर कंफ्यूजन भी होगा और टेंशन भी होगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड बाय।